चढ़ा खड़ी ऐसे रखो, इसे उल्टी आ रही है भाई। बाबा आ जाएगा ना बचाने, डूबने तो नहीं ना दोगे कोई? आज मौसम एकदम मस्त है, दिसंबर का मंथ है, दिसंबर आधा चले गया है, मौसम राइडर बवाल तवाल, मजा आ गया भाई। तो आज अलग ही फील आ रहा है। सारे बाइकर्स जब साथ चलते ना, ये देखो सारे राइडर्स सुबह सिद्रा के रोड पे मिलेंगे भाई। पावर देख रहे हो भाई का? ओ हो, मैंने इसका एग्जॉस्ट खुला है, लेट्स चेक के बिना एग्जॉस्ट के कितना जा सकती है। यहाँ पे ढेर सारी बाइक आ चुकी हैं भाई। सो गाइस, बाइक का एग्जॉस्ट जो है वो नीचे लग रहा है। अभी आ चुके हैं हम ऑफ रोड, बैटमैन जिंदाबाद। इतने टाइम से हमने बैटमैन पे ऑफ रोड नहीं किया है, तो फाइनली गाइस आई एम हियर। ये देख रहे हो, ये देखो क्या बात है, कितनी सही चीज है ना। ऐसी कुछ चीज है ना तुम्हारे पास होनी चाहिए, कुछ मतलब आयरन मैन टाइप चीज है। ऐसे करो हाथ में आ जाए, और ऐसे करो तो अंदर चले जाए। ये नेक्स्ट लेवल चीज है भाई। अगर इसको तुम्हें ऑर्डर करना है तो आओ हमारे इंस्टाग्राम पे, और वहां पे तुम्हें पता लग जाएगा। आधा सारे बंदे आ रहे हैं भाई। तो आज का जो ऑफ रोड है ना, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल। फिर तुम्हें गाड़ी के पास लेके चलते हैं, चला तभी बाहर। यहाँ पे चलाना इम्पॉसिबल वाली बात हो गई ना भाई। लेके चलते हैं तुम्हें तभी पार गाइस। इधर वो वाली बाइक जाएगी टीआर के। और पीछे देखो भाई, पीछे देखो, तुमने तो सांप बना दिया भैया। गोप्रो तो नहीं टूटा कैसे? इसके साथ बचा भी। ये चीजें जो है ना, ये मुंह पे लग सकती हैं, इसी कारण इनको ना उखाड़ ही दो, बिकॉज ये चीज़ है ना बहुत गंदी चीज़ है। ये अगर किसी को लगी ना तो मुंह टूट जाएगा भाई उसका। क्या बात है भाई, ऑफ रोड करना ना तो इधर आओ। ओह माय गॉड, एक्साइड की ब्रेक्स टोटल फ्री हो चुकी है। पीछे बंदे देख रहे हो? क्या बात है भाई, देख रहे हो कैसे बाइकर कैसे चल रहे हैं यहाँ पे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और ऐसे ना इंसान ज्यादा देर तक चला नहीं सकता यार, बहुत दिक्कत है भाई। भैया कहाँ जा रहे हो? मेरे हाथ दुखने लग गए भाई, हाथ दुख रहे हैं मेरे, बहुत ऊपर आ गए भाई, सारे बाइकर्स पीछे हैं, और ये कैसे कीड़े मकोड़े की तरह लग रहे हैं। असली राइड यहाँ पे है, बाइक देख रहे हो जम कैसे खा रही है। ओह माय गॉड, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, यहाँ से हम तभी क्रॉस कर सकते हैं आई थिंक। ओए दे आरएस दे मेरे को, मैं जा रहा हूँ आरएस दे, मैं जाऊंगा मैं चला भाई। बाबा मैं उतार के जाऊंगा, सब उतार के जाऊंगा, बड़ी ठंड है। बाबा आ जाएगा ना बचाने, डूबने तो नहीं ना दोगे कोई? डूबेगा नहीं। कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है।
भाई मैंने जूते नहीं पहने थे ना। हाँ कोई आ सकता है? सारे राइडर्स हार मान चुके हैं भाई, कोई नहीं आ रहा। मैं ना नंगे पैर आया, मैंने अपने राइडिंग शूज वही रख दिए। मुझे पता था कि बाइक नीचे टेढ़ी होगी, हैंडल हल्की सी मेरे पैर में लगी है, बट राइडिंग के लिए भाई ने दिल खुश कर दिया यार। आजा आजा, रुकना नहीं है। पानी गहरा बहुत है, बाइक आधी डूब जाती है। देख कहाँ तक आ रहा है, ये तो लंबा बहुत है भाई, समझ लो मेरे यहाँ तक पानी है। मैंने कहा ना बाइक डजेंट मैटर, कभी कभी स्किल्स चल जाते हैं भाई उनमें, वो कर लेते, बट वो ना डर रहे हैं पहले। है कोई है, आएगा कोई है? इनमें से एक ना एक तो गिरेगा भाई पक्का, देख ले, देखते जाओ। अब भाई पूरी बाइक पानी में, मैंने पहले ही बोला था। इन्होंने क्रॉस कर लिया भाई, तो भी वो दो बच्चे हैं। भाई आमिर भाई ने भी क्रॉस कर लिया, अभी वो भाई आ रहे हैं, शायद उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। कम से कम बंदे में दम तो, कहाँ गया वो बंदा यार, बहुत दलेर बंदा यार, बड़ा दलेर इंसान है यार वहाँ की किस्म। एक बार हमारे साथ लद्दाख में, इसको लद्दाख गैंग में सिलेक्ट करो। पानी में चले गई थी एक साइड के लिए, तो अपने टापे वापे खोल दिया, कोई भी बंदा नहीं जाएगा तब तक जब तक जसप्रीत भाई की बाइक ठीक नहीं होगी। सिर्फ तीन बंदे थे जिन्होंने ये रिवर क्रॉस की, और सच में इसके लिए बॉल्स चाहिए। अगर तुम्हें ये क्रॉस करनी ना, तो सच में बॉल्स होने चाहिए, अदरवाइज इस पानी में जाने की कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि ये ग्लेशियर का पानी है भाई। जम्मू कश्मीर में जो भी चीज़ें जाती है ना बहती हुई, वो सारा ग्लेशियर का पानी है। पानी गया पूरा, फिल्टर विल्टर निकाल के रख दिया है। हमारे में इंजीनियर बहुत है भाई, ये जो पता क्या, तो जो इंजीनियर बनते हैं ना, उसके बाद वो ब्लॉगर बनते हैं, मतलब कोई दुकानदार बनता, कोई कुछ बनता। और ये देखो इंजीनियर साहब ने यहाँ पे ये खोल रहा था, इसे तुमसे लगा हुआ था कि अपनी बाइक ठीक हो यार। मैं तो राइडिंग गियर्स लेके घुसा भी नहीं पानी में, बिकॉज मेरे को पता था कि मेरे को ना राइड पे निकलना। ओके सबसे ज्यादा मुश्किल है भाई TRK को निकालना, बिकॉज TRK बहुत भारी बाइक है। लगाओ 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 लगाओ। बैग बंद करना इसका। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फुल पावर निकालो इसको यहाँ से। कंफर्टेबल बाइक नहीं है पूरी तरह यार। कंफर्टेबल है, भारी बहुत है, वजन बहुत है इसका। अरे पूरी बुकी, पूरी बुकी कर दो। चढ़ा खड़ी ऐसे रखो, ये देखो, ये करना बड़ा जरूरी है। ये जसप्रीत भाई की बाइक पता क्या हो रहा है, इसे उल्टियां हो रही है भाई। यार कितनी प्यारी बाइक है। ये साइकिल है यार, ये बाइक तोड़ना है। चलो तुम आगे आगे सारे धक्का लगाएंगे। बैठ जा मेरी जान, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ओ आगे से हटो, हटो आगे से। थक गया यार, थक गया। चढ़ा लेना मेरी जान। गाइस बाइक स्टार्ट हो गई है, निकाल लो। बस ठीक है, ले लो। सो गाइस आज का व्लॉग जो यही एंड हो रहा है। बहुत सारा ऑफ रोड किया, भाई की बाइक कैसे पहुंचाई हमने। अगर भाई ना होते बाइक तो नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचते ना भाई, वही छोड़ दिए सारे, तुम्हें वही छोड़ देते। पता तुम मिलते हैं गाइस अगले एक बवाल से वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आज बहुत मजा आया। मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।